एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि राहुल गांधी 2000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं और दो और किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है। जनता का पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है, वहां किसी को भी राहुल गांधी के नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है। उससे भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं उनको से जो चुनाव बना था, और इस यात्रा की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जोड़ने की बात है, जोड़ने की बात है। आज जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी 35 साल में सबसे ज़्यादा है, और उसके अलावा गैस डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आपस में नफरत फैलाने का काम चल रहा है, और जितने भी प्रमुख मीडिया हैं वो लोगों तक नहीं बता पा रहे हैं कि देश की क्या सच्चाई है। इसी के विरोध में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर चली थी ताकि जन जन तक पहुंच के लोगों को सच्चाई बताई जाए और लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने की विचारधारा के साथ जोड़ा। ये भारत जोड़ो यात्रा का जो जन सैलाब है देखा जा रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या आपको 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव में, 2024 में भारत में चुनाव? देखिए, जब भी कोई भी बड़ा नेता जमीन पर उतरा है तो एक माहौल बनता है, लोगों में एक उत्साह आता है। आज अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो हम उनको सिर्फ टीवी पे देख पाते हैं या